चलिए समय हो गया है तो हम अपनी आज की चर्चा आरंभ करते हैं। आर्य गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट और उसके साथ अन्य सभी संस्थाओं के सहयोग से आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये विषय देख रहे हैं, इस विषय को देख करके हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न भी होंगे और कहीं कहीं ऐसा भी लग सकता है कि ये तो विषय हम जानते ही हैं, अति परिचय जिसे आप कहते हैं उसकी वजह से लग सकता है कि इसमें विशेष हमने क्या जानना है। इसलिए मैं ये बात आप लोगों से पहले स्पष्ट करके चलना चाहता हूँ कि ये जो विषय आप अन्न दर्शन देख रहे हैं, संस्कृत शास्त्र एवं लोक परंपरा में आहार भोजन की मर्यादा, संशुद्धि एवं सौंदर्य की मीमांसा, ये बहुत सारे अर्थों में होम साइंस के विषय से भिन्न है, जहाँ पे हर तरह से भोजन बनाने की विधियों को सिखाया जाता है, साइंटिफिकली बताते हैं। ये उन डाइटिशियंस के कोर्स से भी नितांत भिन्न है, जहाँ पर वो आपको भोजन इस तरह से करने के सलाह मशवरा देते हैं प्रोफेशनली कि आप क्या खाएं और क्या खा के आप वेट कम कर लेंगे और क्या खाकर आप वेट अपना बढ़ा लेंगे आदि आदि। ये उस विषयों से भी भिन्न है जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में आपको भोजन करना बताया जाता है कि इतनी कैलोरीज आप ले लो और अपने जो है मसल्स बना लोगे, और जिम में जाकर के आप प्रोटीन वाले भोजन करें आदि आदि। और ये उस क्षेत्र से भी भिन्न है जिसे आप होटल इंडस्ट्री कहते हैं, होटल मैनेजमेंट कहते हैं, वहां पर जिस तरह से भोजन आदि की व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये विषय उनसे भी भिन्न है। लेकिन ये किस अर्थ में और कैसे भिन्न है ये अभी आगे चलकर हम देखेंगे, इस सारे विषय को समझेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का इस विषय की एक पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में, भूमिका के रूप में कुछ एक बातें आपसे साझा कर लूं और मुख्य वक्ता से आपका परिचय भी करा दूं। और मुख्य वक्ता का स्वागत करने के लिए प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा आर्या जी वो हमारे साथ हैं, तो मैं उनको अभी आमंत्रित करूंगा, लेकिन उससे पूर्व दो एक बातें आपसे साझा कर लेता हूं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक तरफ आपकी ये भारतीय परंपरा है जो कि फर्श पे बैठ के, धरती पे बैठ के आसन बिछा करके पत्तल में अनेक प्रकार से आपके भोजन की व्यवस्था है और ये भोजन को व्यवस्थित करने का तरीका। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप थाली में भोजन भी ले रहे हैं और पत्तल पे भी भोजन आपके उपलब्ध है और भोजन करने का तरीका ये आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल एक्सट्रीम पर अगर आप देखते हैं तो ये वेस्टर्न कल्चर है भोजन की, जहाँ पर शुद्धि भी है, शुद्धि हमारे भी है, शुद्धि उनके भी है, और उनके भी भोजन की अनेक प्रकार की विविधताएं हैं और हमारे भी भोजन की अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। आपको अनेक प्रकार का एस्थेटिक्स भी मिलेगा और आपको मर्यादाएं जो हैं, एटिकेट्स जिन्हें आप कह सकते हैं टेबल एटिकेट्स, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अगली स्लाइड्स पे आऊंगा तो आपको अंतर पता लगेगा कि हम वस्तुतः जानना क्या चाह रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व ध्यान में रखने वाली ये बातें ये हैं कि ये जो देह है जो कि अन्न से बना है, जो कि आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीन रूप में होता है, और अन्नमय कोश से लेकर के वो कहाँ तक जाता है, आनंदमय कोश, जिसकी चर्चा जो है हमारे आज के मुख्य वक्ता करेंगे और आप लोग अपने प्रश्नों में जो है प्रश्नोत्तर सत्र में अपनी बातें रखेंगे। तो अन्नमय, प्राणमय और मनोमय और विज्ञानमय से लेकर के आनंदमय कोश वो क्या है और कैसे वो अन्न से प्रभावित होते हैं, वो सारी चर्चाएं हमारे आज का विषय रहेंगे। ये कुछ एक प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों के साथ सांझे किए थे, हल्के फुल्के प्रश्न हैं लेकिन चुभते हुए और सटीक प्रश्न मुझे लगते हैं कि क्योंकि अगर आप टीवी देखते हुए और बेड पे बैठ कर के भोजन करते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, सीधे बोतल से पानी पीते हैं, तो ये एक सांस्कृतिक अनाचार और व्यभिचार की सीमा में चले जाते हैं, जिसका आपको शायद कुछ अनुमान ना हो कि इन सब बातों का फर्क क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। और खास तौर पे जब आप किचन में जूते या चप्पल पहन के जाते हैं या आप प्याज लहसुन युक्त भोजन जो है उससे रहित या वो वाला भोजन करते हैं, उसमें क्या अंतर पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जिनको मुझे दोहराना नहीं है,
इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखिए और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों की गंभीरता को समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो आपको यही लग रहा होगा कि ये तो प्रश्न जो है वो बीए लेवल के, स्टूडेंट लेवल के हैं और कोई सर्वे कर लिया, लेकिन ये प्रश्न आपके आधार हैं जिनके आधार पे आप आहार संस्कृति, भोजन संस्कृति, अन्न संस्कृति की बात करेंगे। अब दूसरी ओर आप ये देखिए कि ये कुछ मंत्र हैं, जब आप भोजन करने बैठते हैं भारतीय पद्धति से, तो आप ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम आदि से करके सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तक के मंत्रों को जब पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि इसका हमारी संस्कृति जो अब वर्तमान कालिक है व्यवहार, और हमारे जो सांस्कृतिक आधार हैं उनका संबंध क्या है, क्या रेलेवेंस बनेगी। मैं मंत्र पढ़ते हुए तो खड़ा खड़ा खा नहीं सकता, किसी रेडी पे नहीं खा सकता, किसी ढाबे में नहीं खा सकता, तो ये आपको ध्यान देना होगा। और किचन में जूते लेके जाते हैं और आप सोचें कि आप मंत्र पढ़ते हुए भोजन करेंगे, आप वहां पर एक शांति और मंगल की कामना कर पाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता। हालांकि शुद्धि हो सकती है और चीजें हो सकती हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों से मैं आपको परिचित कराऊंगा, लेकिन उससे पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अनुपमा आर्या, जो कि प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं आर्या गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट की, जिनके सौजन्य से ये आज का परिचर्चा आयोजित की जा रही है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और मुख्य वक्ता का स्वागत संक्षिप्त में करें। डॉक्टर अनुपमा नमस्कार। आशुतोष जी, पहले तो महाविद्यालय बहुत दिल से आभारी है आपका कि आपके इस जो अंडर द वेद व्यास रिस्ट्रक्चरिंग संस्कृत आपका जो है, इसके साथ हम जो है आपने हमें सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात आज जो सुनना है डॉक्टर रमाकांत जी को, प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कालिदास चेयर, एक्स प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमने इस विषय को पढ़ा तो मुझे लगा कि हम अपनी उस विरासत को याद करेंगे और उस संस्कृतज्ञ से, उस महान विभूति से जो जो है वो हमें हमारी विरासत, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की ओर ले जाएगी। अन्न दर्शन की जब हम बात करते हैं डॉक्टर रमाकांत जी, तो आपके मुख से जब हम ये बात आज के इस वातावरण में, जबकि जंक फूड जो है वो बहुत ज्यादा इन है, और हम बात करें कि उसकी के जब अन्न जो है वो फूड इज गॉड, उस बात, उस दर्शन में हम वापस जा रहे हैं। और जो अन्न था वो सिर्फ हमारा मन नहीं भरता था, हमारी शांति और अशांति का कारण भी होता था, और ब्रह्मा का साक्षात रूप, जैसे कि हमारा ये विषय बता रहा है, जब हम भोजन करने बैठते थे तो हम मंत्रों के साथ जो है वो भोजन की शुरुआत किया करते थे। तो आज आपके श्रीमुख से जब हम वापस अपने विरासत को खोजेंगे, उस संस्कृति को स्मरण करेंगे, तो ये संगोष्ठी जो है निस्संदेह मदर्स डे पर हमारी जो ये अपनी माताओं को और अब हमारे बच्चों को जो है वो ये बहुत बड़ी भेंट होगी। और आज जो है मेरा नॉन टीचिंग जो फैकल्टी है उसके सहयोग से हम इसको जो है आपके साथ जुड़ पाए, और आशुतोष जी का बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है कि उनकी वजह से आज हम आपको जो है वो सुन पा रहे हैं। मैं अक्सर कहा करती हूँ रमाकांत जी, आप दीप नहीं, आप सूर्य हो, और आप संस्कृत के सूर्य हो जो आप हमें प्रकाशित कर रहे हो, भाषित कर रहे हो, आपको नमन है, बारंबार नमन है, और बहुत बहुत धन्यवाद है महाविद्यालय आपका। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। बात को हम आगे अग्रसर करते हैं। इसी स्क्रीन पर आप ये देख पा रहे हैं, ये एक मूर्ति, ये 14वीं शताब्दी की ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी हुई मूर्ति है, और ये अन्नपूर्णा की मूर्ति है। आप ये देखिए एक विचार को, आप किस तरह से मूर्ति का आकार देते हैं, और इसके हाथ में ये जो एक तरफ मैं समझता हूँ ये चम्मच है, और दूसरी तरफ एक क्या कहें कि प्याला, कटोरा, जो भी है, मैं स्पष्ट रूप से नहीं इसको पहचान पाया, और लेकिन ये अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसको एक ठोस रूप दिया गया है मूर्ति के रूप में।
और ये जो नीचे आप श्लोक देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णेश्वरी जो है, अन्नपूर्णाष्टकम शंकराचार्य द्वारा रचित है, और आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से उस अन्नपूर्णा देवी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वो स्तुति करते हैं। मैं उसको अभी पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ प्रश्न आप लोगों के साथ और साझा कर लूं, ताकि विद्वान वक्ता जो है वो हमें हमारी ज्ञान का विस्तार भी कर सकें और हमें देखने की जो दृष्टि की सूक्ष्मता है वो भी हमें प्रदान करें। अब ये जो एक बड़ी अलग सी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आप लोग इस चीज को बहुत गहरे से और समझें भी, और मैं समझता हूं आप लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये जो दो चित्र आप देख रहे हैं, ये तो है साउथ इंडियन, एक तो है ये साउथ इंडिया का, जहाँ पे अन्नपूर्णेश्वरी के मंदिर भी हैं, और उसके स्वरूप को भी अगर आप देखें तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि किस तरह से उनके हाथ कलश से भरे हुए हैं और ये इधर चम्मच है और पूरा धन धान्य उनके पास उपलब्ध है। ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, ये चित्र जो है ये बनारस वाराणसी का है, मध्य भारत का आप यूं लगा लीजिए। इनके और इनके डिफरेंस को आप देख सकते हैं, लेकिन वो हमारा अभी विषय नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से समानता है वो आपको यहाँ पे भी वही दिखाई देगी अन्नपूर्णा का कॉन्सेप्ट में, लेकिन इसके साथ कई किंवदंतियां भी जुड़ी हुई हैं। और पार्वती को जो है वो अपने अपराध के लिए शिव के कहने पर बनारस में जो है वो अन्न जो है वो दान करना पड़ा था, इसलिए अन्नपूर्णा वहां पे अन्नपूर्ण क्षेत्र के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। ये इस तरह की कई कथाएं हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं जा रहा। लेकिन जो मेरा कंसर्न है और जो मैं चाहता हूँ जिसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करें और विद्वान वक्ता का भी मैं वक्तव्य चाहूंगा, कि अभी नींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई थे, 1905 में उन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था। हालांकि ये चित्रों में आपको 3-4 कैटेगरीज मिलेंगी धीरे धीरे जो डेवलप हुए। कृपया अपना माइक ऑफ रखिएगा बाकी सभी लोग। एक मिनट मैम, मेरे में नहीं आ रहा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये भारत माता का चित्र है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा देवी से लेकर के जो रेवोल्यूशनरी इसमें भारत माता का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, क्या वो ये अन्नपूर्णा का ही एक विस्तार रूप है, उसी के ये बीज यहाँ पर आके विकसित हुए? क्योंकि जब आप यहाँ देखते हैं तो क्या देख पा रहे हैं, वस्त्र देख पा रहे हैं, माला देख पा रहे हैं, आप धन धान्य देख पा रहे हैं, आप विद्या देख पा रहे हैं, और सारे का सारा वो कहाँ है, कमल के ऊपर है। तो आप इस देख, तो अभिनींद्रनाथ भारत ने जो इस कॉन्सेप्ट को, भारत माता के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बिल्कुल स्थान नहीं दिया जो कि देना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो what you find here is the mother figure here is shown as dispensing learning, food and clothing. The mala in the hand emphasizes her ascetic qualities. तो आप ये देखिए, एक पूर्ण वक्तव्य जो है वो पूर्णता हमें वो प्रदान कर रहे हैं कि ये वस्तुतः भारत है और ये उसका एसेंस है। चलिए दो तीन प्रश्न और हम रख लेते हैं ताकि हमें जो है वो दिशा सही मिले। वैदिक साहित्य में आपको बहुत सारे ऐसे मंत्र मिलते हैं जो अन्नम बहु कुर्वीत, कि भाई अन्न बहुत उत्पन्न करो। अब यहाँ पे ये भी हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि वेस्ट में जो है वो स्केयर सिटी से सारी इकोनॉमिक्स शुरू होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ अन्न की कमी है, तो वहाँ स्केयर सिटी है, लेकिन यहाँ पे स्केयर सिटी नहीं है, या अबंडेंस है, तो यहाँ की इकोनॉमिक्स जो है वो अबंडेंस से शुरू होती है, और यहाँ पर उसके प्रमाण हमें अन्नम बहु कुर्वी तद व्रतम पृथ्वी व अन्नम आदि आदि ये बहुत सारे मंत्र आपको मिलते हैं। और केवल यही नहीं मिलते, अन्न की संस्कृति भी आपको साथ साथ मिलती है, जहां वो कहते हैं अन्नम न निंद्यात, भाई अन्न की कभी निंदा मत करो। तद व्रतम, ये वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये आपका व्रत है अन्न को संभालना, उसको सहेजना। तो इसलिए हम विद्वान वक्ता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोक परंपरा में जो अन्न को लेकर के प्रचलित विचार और व्यवहार है, और दूसरा संस्कृत शास्त्र परंपरा में जो विचार और व्यवहार है, उसको हम कैसे देखें, जो अन्न दर्शन के नाम से जानना चाहते हैं। उसके ये तीन पक्ष हो सकते हैं, एक पार्थिव पक्ष, जिसका मतलब है कि जो हम किचन में जिस तरह का अन्न के साथ व्यवहार करते हैं। दूसरा शाश्वत पक्ष है कि जो वेद कालीन से लेकर के पुराण काल होते हुए और आज तक हमारे साथ निरंतर वर्तमान है, जैसे कि हमारा किचन जो है, रसोई घर जिसे आप कहते हैं।
और तीसरा है कि ये फूड वैल्यूज जिसे हम कहते हैं कि अन्न का जो जो नैतिक पक्ष है कि भाई जैसे आपने चींटियों को भी डालना है, आपने जो है कुत्ते के लिए भी अन्न निकालना है, गाय के लिए भी देना है, भूखे को भी आपने भोजन देना है, तो कितने सारे पक्ष इसके उभर के आते हैं। तो इसलिए इस अन्न दर्शन का ये एक पक्ष है जिसके ऊपर हम स्पष्टीकरण और अधिक चाहेंगे। इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट कर लीजिए कि जब मैं बात आपसे एस्थेटिक्स की कर रहा था और उसके मर्यादा की और सौंदर्य की, तो आप देख सकते हैं कि होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में या जो फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनमें कभी ये नहीं पढ़ाया जाता है कि भारतीय भोजन व्यवस्था का स्वरूप क्या है। अब आप यहाँ देखिए कि अगर वो एक थाली भी अगर आप लगाते हैं तो उसमें एक पूरी व्यवस्था है कि किस क्रम में कौन सी वस्तु लगेगी। आप लेआउट करेंगे, वो लेआउट करने का एक पूरा तरीका आपको दिखाई देता है, लेकिन उसके ऊपर हम कभी उसको सब्जेक्ट का हिस्सा ही नहीं बनाते। बट एनीवे, जो जानने वाली बात है वो है कि हमारे पास वैष्णव आहार शब्द हमें मिलता है, उसका स्वरूप क्या है, वैदिक आहार से हम क्या चाहते हैं, एक सोमरस जिसके लेकर के लोग मजाक भी करते हैं बिना ये जाने कि सोम क्या है और उसका रस का क्या आहार है। फिर बहुत सारे ऐसे शब्द जिससे कि जैसे भाव दुष्टन न भुंजीत, कि भाव दुष्टता क्या होती है कि जब आप भोजन कर रहे हैं तो उस वक्त क्या हो, गोमय पदार्थ जिन्हें आप कहते हैं, फिर पंक्ति भोजन जिसे आप लंगर कहते हैं या भंडारा कहते हैं, उसका पुराना नाम जो है वो पंक्ति भोजन है। और फिर इसी तरह से कोई शब्द और भी है, कव्यान्न या हव्यान्न, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम विद्वान वक्ता से जानना चाहेंगे। और अपनी बात समाप्त करने से पूर्व और मुख्य वक्ता को मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व दो तीन बातें और आपसे साझा कर लेता हूं। वो ये है कि आप जानते हैं कि जो भारतीय भोजन है वो लगभग 70% वाटर एलिमेंट से बनता है। आप जितना भी भोजन बनाते हैं इधर साउथ में तो बिल्कुल ही 70-80% जो है वो वाटर एलिमेंट उसमें है। हमारा जो इधर उत्तर भारत का भोजन है वो तो गरिष्ठ हो गया है, लेकिन वेस्टर्न फूड जो है वो तो बहुत ही सॉलिड होता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप अपने अगर शरीर को देखें तो आपके सारे शरीर में 72% क्या है, वाटर एलिमेंट है, 6% एयर है, 4% जो है वो फायर है, 12% अर्थ एलिमेंट है और 6% स्पेस एलिमेंट है। तो कुल मिलाकर के आपके भोजन का जो कुल मिलाकर के एक जो समाहार होता है आपके शरीर में वो इस रूप में होता दिखाई देता है। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो भोजन है उसमें टेस्ट, स्मेल और सींग, ये तीन पक्ष विशेष रहते हैं। आप मुख से भोजन करते हैं और इसका विसर्जन करते हैं और इंटेस्टाइन के माध्यम से वो सारी प्रक्रियाएं घटित होती हैं। और इस भोजन के सामान्य रूप से, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं इसलिए पता ही होता है कि सात्विक भोजन, राजसिक और तामसिक ये शब्दों को प्रयोग करते हैं। लेकिन जो विद्वान वक्ता से जानने और समझने वाली बात है वो ये है कि कृषि क्षेत्र से अन्न उत्पन्न होता है और वो आपके घरों तक जाता है, आपके किचन तक आता है। तो कृषि और आपका महानस शब्द है, ध्यान दीजिएगा कि हम रसोई शब्द नहीं प्रयोग करते, किचन शब्द नहीं, महानस शब्द है, अपनी संस्कृति का शब्द जैसे किचन, उसके संबंध। फिर कृषक और माता के संबंध, क्योंकि किचन कौन चला रहा है, अन्न सुरक्षा कौन कर रहा है, आपकी माता, और कृषक अन्न उत्पन्न कर रहा है। फिर वो परिवार के संदर्भ में भी हमें अन्न दर्शन को देखना है। फिर तीसरी चौथी जो बात है वो है लोकगत आहार विधि और यज्ञ आहार विधि, ये क्या है। और फिर वैयक्तिक आहार विधि और पंक्ति भोजन, इसमें हम किस तरह से इन सब बातों को देखेंगे समझेंगे। तो इसलिए अन्नम ब्रह्म ये वैदिक वाक्य चुना गया और इस अन्न ब्रह्म का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रसो वैसह में जाकर के कैसे होता है, इस तरह के ये प्रश्न हमारे हैं। और बाकी तो आप जिन्होंने थोड़ा बहुत वेद को देखा होगा, अपनी संस्कृति से परिचित होंगे, आपको नैतिकता के बहुत सारे पैमाने मिल जाएंगे। हालांकि हमने कभी अपनी एथिक्स और मोरालिटी को कभी अपने भारतीय आधार पे तो विकसित किया नहीं, वो वेस्ट से ला करके हमने थोप दिया कि भाई ये मोरालिटी होती है। लेकिन आप यहाँ देखें कि अकेला जो खाता है वो केवल पाप खाता है, आपको इस तरह की मोरालिटी मिलेगी। जो वेस्ट करता है, जो भोजन को वेस्ट करता है, वो महापाप का भागी है और वो दंड का भागी है। और इसी तरह से आपको और बहुत सारी बातें मिलती हैं।
कि किस तरह से अन्न से भूत पैदा होते हैं, प्रजाएं पैदा होती हैं और किस तरह से सारी सृष्टि चलती है। मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा, लेकिन अन्न को अन्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी को लोग खाते हैं और यही लोगों को खाता है। और आप सभी जानते हैं कि एक सीमा तक, आप एक उम्र तक तो खूब भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भोजन ही आपको खा रहा होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, वैज्ञानिक भी हैं, सौंदर्य परक भी हैं और कॉमन सेंस की भी हैं। आप इन सब बातों को देखेंगे, समझेंगे और लगभग अगले 35-40 मिनट में हम इस सारी चर्चा को मुख्य वक्तव्य को लेंगे और उसके बाद फिर जो है आपके प्रश्नों को हम आमंत्रित करेंगे। ओपन हाउस डिस्कशन रहेगा, तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को कि वो आज के इस हमारी जिज्ञासाओं के ऊपर अपनी विचार हमारे साथ साझा करें और हमें दिशा निर्देश दें कि कैसे हम इस सारे विषय को समझें और कैसे हमारी बुद्धि जो है वो सूक्ष्म हो और विचार व्यापक हो। तो प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस। समादरणीय श्रोत्र बंधुओं, आज का विषय जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इसके प्रस्तुतिकरण में कुछ सरलता, साधुता और उसके साथ साथ कुछ उसकी जटिलता, ये तीनों पक्षों को विचार करने के लिए हम एकत्र हुए, तो मैं आर्या कॉलेज के प्रिंसिपल का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए उन्होंने दो शब्द कहे, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब मुझे आमंत्रित कर लेते हैं उसके लिए भी आप सबका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में ये हमारे एक मौलिक प्रश्न है और इन मौलिक प्रश्नों से जब हम परे हट जाते हैं तो उससे हमारा सांस्कृतिक ह्रास होता है और ये सांस्कृतिक ह्रास पिछले लगभग एक शताब्दी में पर्याप्त मात्रा में ये सांस्कृतिक ह्रास हुआ। भोजन की प्रक्रिया में हम लोग घर में सब लोग बैठ कर के जब भोजन करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं से कोई एक भोजन को लेकर के श्लोक का उद्धरण आ जाता था और वो उद्धरण ये होता था कि बिना मातृहस्तम बिना बंधु वर्गम बिना गोरसम गोरसो भोजन अस्ति। हेलो, आवाज स्वीकार ही नहीं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। वो तो उसमें था बिना मातृहस्तम बिना बंधु वर्गम बिना गोरसम कोरसो भोजनस्य भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। अब ये सब तरह की पंक्तियां आती थी कि कुछ लोग जो भोगों भोग भोजन करते हैं भोजन में किस तरह की प्रवृत्ति होनी चाहिए। वो एक प्रवृत्ति जो कहती थी कि जिस भोजन में माँ का हाथ नहीं लगा हुआ है, जिस भोजन के साथ अपने भाई बंधु सब उसमें एक साथ नहीं बैठे हैं खाने में और जिस भोजन में गोरस नहीं है, गोरस में गाय का दूध, दही, मक्खन, घी जो कुछ भी है वो सब गोरस है, तो कोरस और भोजन से भोजन में रस कहाँ से आएगा? और अगर रस नहीं आएगा तो रसो ऐसा, रस तो आत्मा है, आत्मा में तृप्ति कैसे आएगी? वो ऐसा भोजन विक्षेप पैदा करेगा, क्योंकि भोजन से विक्षेप पैदा होता है, भोजन से आवरण शक्ति भी पैदा होती है।
इसलिए दार्शनिक लोगों ने भोजन के ऊपर इस तरह से विचार किया, क्योंकि भोजन एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका है जो अनादिकाल से जन्म के साथ ही, जैसे ही अत्ता पुरुष पैदा होता है वैसे उसके साथ ही भोजन उत्पन्न हो जाता है। जिसे दो भागों में हमने विभाजन कर लिया, अत्ता के माने हैं जो भोजन करता है उसको अत्ता कहते हैं, अध धातु से ये बन जाते हैं, और दूसरा ये है कि जो भोज्य खाद्य है, तो दो ये एक साथ समानांतर एक साथ ही चले, ये भोक्ता और उसका जो भोजन है ये दोनों साथ ही एक साथ चलते हैं। इनके बिना जीवन में, जीवन का चलना जो है वो बड़ा कठिन हो जाता है। तो अब वो भोक्ता, भोक्ता की प्रवृत्ति कैसे हो, भोजन कैसा हो, बनाने वाले की नियत कैसी है, खाने वाले की नियत कैसी है, ये सारा उसके पीछे मूल दर्शन जो था, इसका वेद में उपनिषदों में बहुत चिंतन किया गया। और इतना चिंतन किया गया कि यहाँ तक स्वीकार कर लिया गया कि ये अन्न जो है, अन्न का, अन्न से ही मनुष्यों का मन बनता है। अब ये बड़े आम आदमी के पास भी ये बात पहुंच गई कि जैसा खाते हैं अन्न वैसा बन जाता है मन। तो अन्न का मन के साथ संबंध हम लोगों को बचपन में ये बात समझ में नहीं आती थी कि अन्न बड़ा स्थूल है और मन जो है वो बड़ा ही सूक्ष्म है। तो अन्न से मन का संबंध कैसे जुड़ गया है? लेकिन उपनिषदों के अंदर जब ये बात आई, उपनिषदों के ऋषि, उपनिषदों के नाम से घबराना नहीं चाहिए, बहुत वो पांडित्य की अपेक्षा अनुभव के ग्रंथ हैं। वो श्रुति प्रस्थान जो है, श्रुति प्रस्थान जो है वेदांत का, वो उसमें बातचीत के अंदर, साधारण बातचीत के अंदर जीवन की जटिल प्रक्रियाओं को स्पष्टीकरण का मार्ग उपनिषद बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। कि भोजन जो है इसके लिए कहीं कहीं आहार शब्द का प्रयोग भी हुआ। आहार इसलिए कहा जाता है कि आहरियते वो उसको लाया जाता है आहार को। तो आहार शब्द का प्रयोग गीता में भी बहुत हुआ है, आहार शब्द का प्रयोग उपनिषदों में भी खूब हुआ है। तो आहार जो है वो इतना उसका विस्तृत अर्थ भी हो गया, लेकिन संक्षिप्त अर्थ जो है वो यही है उसका कि आहार जो है वो हमारा जो नित्य किया जाने वाला जो भोजन है उसको, ये जो है युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो वहां पर युक्त आहार और विहार जिसका युक्ति युक्त है और जिसकी कर्मों में युक्त चेष्टा है, योग उसी के लिए अनुकूल बैठता है। अदरवाइज जो विषम भोजन करने वाला है, अब विषम भोजन और सम भोजन से हम अपने बड़े लोगों से पूछते कि सम भोजन से क्या आपका अभिप्राय है और विषम भोजन से क्या है, तो सम भोजन की मात्रा में ये कहते हैं कि ये आयुष्कर प्रयोग है, सम भोजन से अभिप्राय ये है कि उसे मात्रा की अनुकूलता, प्रातः काल ध्यान या सायंकाल जब भी भोजन करो उसमें मात्रा का एक होना चाहिए, उसके अंदर वो मात्रा का अगर ना हो, देश और काल का औचित्य निश्चित होना चाहिए, ये ठीक इतने समय में हमने भोजन किया तो इतने समय में ही भोजन निश्चित रूप से करना चाहिए, ये नहीं कि वो बिल्कुल पाशवी प्रक्रिया के अधीन होकर के
हम जब चाहें तब हमें अच्छा लगे हम खाने बैठ जाएं, जब मन करे तब उसमें उठ के छोड़ दें, जब हम चाहें खा लें और खाते खाते छोड़ दें और फिर आके बैठ जाएं। ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी हमने देखा कि कुछ लोगों के घर में ऐसा देखा कि अन्न जो है वो एक बार अगर कहीं आपने आप बीच में खाते खाते छोड़ दिया तो दोबारा फिर आपने उसके बाद अनशन ही थोड़ा कर लिया, फिर उसके बाद उस भोजन को दोबारा ग्रहण नहीं किया, क्योंकि बीच में उसके एक तारतम्य टूट गया। वो तारतम्य जो टूटना है उसको भी भोजन की प्रक्रिया के साथ शामिल कर लिया गया था। इसलिए ये विचार करने की बात है उसमें कि आखिर अन्न के साथ ऐसा इतना लगाव, ये कोल तो हम देखते हैं कि कोशों में जब बात करते हैं तो स्थूल कोश की बात करते हैं, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश सबसे पहले एक स्थूल रूप में ही सामने आता है और हम समझते हैं कि देखिए अन्नमय कोश के माने बहुत ही अन्नमय कोश जो है वो एक प्रकार से बहुत ही स्थूल है और बिल्कुल बाहरी चीज है, बाकी के पांच कोश उसके अभ्यंतर छिपे हुए। लेकिन ये सभी पांच कोशों का आपस में एक अंतर संबंध है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोशों की जब बात करें तो ये कोई कोश अलग अलग हैं और अलग अलग हो जाते हैं, इनका ऐसा नहीं है उसके अंदर। इसलिए पंच कोशांतर स्थिता भगवत जी का भी जब अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हम उसको एक साथ पांचों कोशों में एक साथ रहती है। तो पंच कोश में अन्नमय कोश जो है, अन्न की जब बात करते हैं तो अन्न को भी उसी तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं जैसे बाकी पदार्थों को समझने का प्रयास करते हैं। उसमें क्या है कि ये प्रश्न गीता के अंदर ही उठता है कि ये जो पदार्थ है उसका ये अधिभूत भाव क्या है, और अभिभूत ये अधिभूत जो है वो क्या है, और अध्यात्म क्या है, और फिर अधिदेवत क्या है, और अधियज्ञ क्या है। तो अधियज्ञ अब अन्न का महात्म्य आप देखिएगा तो एक प्रकार का आप नित्य यज्ञ कर रहे हैं। अन्न पकाने का मतलब है कि आप यज्ञ नित्य प्रति आप यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ जो है हमारी संस्कृति का मूल एक अंग है, वो यज्ञ अन्न के बगैर नहीं हो सकता है। उस यज्ञ के अंदर दी जाने वाली जो आहुति है तो उसको देवताओं के निमित्त दिया जाने वाला जो है उसे हम हवि कहते हैं, हविष्य कह देते हैं, और जो पितरों को दिया जाने वाला अन्न है उसको कव्य कह देते हैं। तो हव्य कव्य जो है ये दोनों अन्न के बगैर न श्राद्ध हो सकता है, न उसके अंदर हमारा हवन हो सकता है, न यज्ञ हो सकता है। और हवन यज्ञ को केवल दो क्रियाओं में नहीं समझना चाहिए, पिछली बार भी मैंने कहा था कि यज्ञ की जो परिकल्पना है, यज्ञ की परिकल्पना जो है वो एक वैश्विक परिकल्पना है कि विश्व में मनुष्य कैसे जीना सीखे, और सारी मनुष्यता के लिए नहीं बल्कि मोदंताम जन्म भाजः, जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी जीव जंतुओं के लिए कैसे वो जीना सीखे, कैसे वितरण करे, अन्न का वितरण जो है उसको किस ढंग से करना चाहिए। तो उसमें प्रश्न उठाया कि अन्न का एक अधिभूत भाव जब हम देखें तो हम समझते हैं कि अन्न जो है एक बिल्कुल मेटीरियलिस्टिक पदार्थ, एक भौतिक पदार्थ है, बिल्कुल भौतिक है, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि भौतिक कह देने से तो ये बिल्कुल, क्योंकि मैटर को हम भी स्वीकार करते हैं। मैटर को इसलिए स्वीकार करते हैं कि मैटर के माध्यम से ही हम चैतन्य तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ पाते हैं। इसलिए उसका जो अधिभूत भाव है अन्न का,
एक अद्भुत भाव है जो बहुत ही स्थूल है, जिसको खा करके हम केवल समझते हैं कि नींद बहुत अच्छी आई, खा करके ये अद्भुत भाव है, नींद बहुत अच्छी आई, पेट भर गया है, बिल्कुल भूख जो थी वो तृप्ति हो गई। लेकिन इस तृप्ति के माध्यम से दूसरा कहता है कि नहीं, आप जो इस अन्न को खाया है, इस खाने से मेरे को एक आंतरिक संतोष मिला। कभी कभी महात्मा लोगों से मिलना होता था तो वो लोग करते थे कि आज भिक्षा में कुछ ऐसा हो गया कि किसी श्रेष्ठ पुरुष के श्रेष्ठ अर्निंग वाले व्यक्ति का अन्न शायद नहीं प्राप्त हुआ। मैं क्यों, इसलिए कि चित्त में भोजन के बाद थोड़ा चित्त में क्षोभ है, तो हम कहते हैं कि अन्न का चित्त से क्या संबंध हो सकता, तो वो उस संबंध को स्पष्ट करते थे लोग। इसलिए उसका जो अधिभूत भाव है, अधिभूत भाव जो है, अधिभूत क्षरो भाव, अधिभूत जो है वो उसका क्षर रूप है, अन्न का जो बाह्य रूप है, जो इतने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि अन्न जो है उसका अधिभूत रूप है, तो अधिभूत रूप जो है वो केवल मात्र खाना पीना सोना और ये इंद्रिय तृप्ति का ऐसा जो अन्न है वो बहुत से रोगों को, व्याधियों को जन्म देता है। इसलिए केवल मात्र जो मैटर है, केवल मात्र जो भूत पदार्थ है उसकी सत्ता में कोई वो स्वीकृति नहीं है, लेकिन वो अन्न जो है वो ये नाना प्रकार की व्याधियों का भी मूल बनता है। तो इसलिए अधिभूत के पीछे अन्न का एक दूसरा पक्ष देखा गया कि यही जो अधिभूत है, इसी के भीतर निहित है इसका अध्यात्म। अन्न का जो स्वभाव है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अन्न का जो स्वभाव है वो है तृप्ति प्रदान करना, संतोष प्रदान करना, संतुष्टि प्रदान करना, कि खा करके संतुष्ट हुए कि नहीं। भोजन बहुत बढ़िया, किसी गरीब के घर का खाया, किसी और का खाया, क्या उससे संतोष हुआ या नहीं हुआ। कई लोग इस बात से खफा हो जाते हैं कि उनका संतोष तो क्या, बल्कि उसमें उग्रता आ जाती है। इसलिए वो उसका जो स्वभाव है वो तृप्ति प्रदान करना, संतोष प्रदान करना, अन्न का मूल उसका जो है आंतरिक भाव, अध्यात्म उसका जो पक्ष है वो ये है उसका। और तीसरा उसमें वो कहता है ये अन्न का दूसरा तीसरा पक्ष जो है वो है आपके ये जो दैवत स्वरूप है। जैसे अभी परिकल्पना की थी आपने कि भिक्षाम देहि करावलंबन करी मातान्न पूर्णेश्वरी, क्योंकि प्रत्येक अन्न का, प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु का कोई ना कोई देवता उसका अधिष्ठाता है। ईशोपनिषद के अंदर जैसे संकेत किया गया कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सृष्टि के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके अपने चेतन जो अधिष्ठाता है उससे वो अधिष्ठित नहीं है, उसका कोई ना कोई देवता है। तो अन्न का वो जो देवता है, अन्न ग्रहण करने से पूर्व नॉर्मली जो लोग जानते हैं वो पहले उसमें वैदिक मंत्रों से उसका अभिवादन करेंगे, फिर अन्न ग्रहण करेंगे। ऐसे नहीं कि मिला और सीधे खाने लगे, उसमें वो पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे, वो नाभ्यासी अंतरिक्ष शीर्षणो देवर्तित पदभ्याम भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकांग, या यही पढ़ेंगे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हव्य ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयु तेन गंतव्यम, यानी पेट के अंदर भी आपके एक पूरा यज्ञ चल पड़ा। और वो यज्ञ कैसे चला कि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म में ही ब्रह्म का हवन किया, हमें आत्मानम आत्मनि ज्वोमि स्वाहा, मैंने स्वयं से ही उस यज्ञ को अपने भीतर से ही उत्पन्न कर लिया अन्न के माध्यम से।
तो इसलिए ब्रह्मार्पणम तो वो ये अन्न जो है वो मैं अपने ऐन्द्रिक सुख के लिए ही नहीं ग्रहण कर रहा हूँ। ऐन्द्रिक सुख तो होगा ही, जब वो अर्पित होगा, जब वो उसका देवता, तो इंद्रियां इत्यादि जो भी हैं वो सब उस जो अन्न का देवता है वो प्रतिष्ठित है आपके उदर में प्रतिष्ठित जो जो भी है वो उसके माध्यम से हमारी सारी देह की पुष्टि, देह के कण कण की पुष्टि होगी। इसलिए उपनिषदों के अंदर एक बड़ी मार्मिक चर्चा करते हुए कहा गया है, ये जो हम भोजन करते हैं या अन्न ग्रहण करते हैं उस अन्न ग्रहण में अन्नम अशितम त्रिधा भवति, जो भी अन्न जो है अशितम का अर्थ है खाया हुआ अन्न जो है वो शरीर के अंदर जाकर के तीन भागों में बंट जाता है। उसका जो स्थविष्ट भाग है, उसका जो स्थूल भाग है वो मल में परिणत हो जाता है, और उसका जो सूक्ष्म भाग है वो उसके अंदर क्या बन जाता है, वो उसमें रस रक्त आदि बन जाते हैं। लेकिन उसका जो अणुभाग है वो जो खाया धीरे धीरे वो भीतर की जो यज्ञ की प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया के माध्यम से, उस प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे होते हुए उस अन्न का जो अणुभाग है सूक्ष्मतम भाग है उससे मन उत्पन्न होता है। इसलिए अन्न का मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसको एक और कहानी से, उपनिषदों की कथा से स्पष्ट किया गया कि श्वेत केतु को उसने पिता ने कहा कि बेटा ये तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती बात कि अन्न और प्राण दोनों का संबंध जो है वो क्या है, इस बात को समझने में तुम्हें समय क्यों लग रहा है। तो वो श्वेत केतु कहता है कि मुझे थोड़ा स्पष्ट करें और स्पष्ट करें। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसे करो कि तुम धीरे धीरे अन्न को छोड़ना शुरू करो आज से। तो वो श्वेत केतु उसमें रोज दो दो ग्रास कम करने लगे, और जब करते करते एक ग्रास रह गया तो श्वेत केतु जो है उन्हें बड़ी दुर्बलता आ गई, बहुत दुर्बलता आ गई। तो पिता ने कहा कि बेटा अब तुम्हें कुछ करना चाहिए। उसने कहा मैं क्या करूं, कहते हैं वेद का मंत्र पढ़ो, अपना उच्चारण करो, कुछ बोलो। उसने कहा नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं है, मैं वेद का उच्चारण कैसे करूं। तो उन्होंने कहा बेटा ये अन्न त्याग से तुम्हारी जीव की 16 कलाओं में से 15 कलाएं जो हैं वो सब की सब बुझ गई हैं, सिर्फ एक कला अवशेष है। तो इस एक कला में अब आहुति डालो अन्न की। तो जैसे ही अन्न की आहुति धीरे धीरे डालने लगे तो श्वेत केतु फिर से अपने नॉर्मल जैसे 16 ग्रास में आ गए, तो 16 कलाओं से वो हो गया। तो श्वेत केतु नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग की तरह व्यवहार करने लगे। तो उन्होंने कहा कि हेलो, तो उससे श्वेत केतु को अन्न का ये समझ में आई कि अन्न केवल मात्र भोजन नहीं है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, गीता जब ये कहती है तो पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्र। उपनिषदों में एक रिलेशनशिप ऐसे दिखाई उन्होंने कि जो सत था, पहले सत था, और वो सत जो था उसे इच्छा हुई कि मैं अनेक हो जाऊं। अनेक होने के लिए उसने तेज का सृजन किया। ये आपका मंत्र जो आता है रितंच सत्यंच आभिधात तब सुवध्य जाए, वो तेजस जो उत्पन्न किया उस तेजस ने अपने भीतर से, वो तेजस जो था वो बहुत होने की उसमें
संकल्पना में उसने अपने भीतर से जल की सृष्टि की, तो तेजस से जल की सृष्टि हुई। तो उन्होंने कहा कि जल जो था, जब जल उत्पन्न हुआ तो जल से उन्होंने प्राण की सृष्टि की। इसलिए प्राण जब भी क्षुब्ध होता है तो पुराने वैद्य लोग, आचार्य लोग ये कहेंगे कि फौरन आप थोड़ा पानी पियो। ये जैसे डिहाइड्रेशन होती है तो हम तुरंत पानी लाते हैं, क्योंकि जल तत्व जो है, तो प्राण किस में प्रतिष्ठित है? जल में प्राण प्रतिष्ठित है। श्रुति का कहना कि जल में प्राण प्रतिष्ठित है और उसमें ये अन्न जो है वो जल में यज्ञाद भवति परजन्य है, परजन्यादन्न संभव। और जल से, जल में भी ये इच्छा हुई कि मैं बहु हो जाऊं, तो जल में जब बहु हो जाएगा कि संकल्पना आई तो उसमें उससे अन्न की उत्पत्ति हुई। इसलिए ये तेजस का, जल का और पृथ्वी का, अन्न का, इन तीनों का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ये उसमें तेजोमयी वाक है, तेजस से वो कहते हैं वाणी का जन्म हुआ। तेजस तत्व ने जब चाहा कि मैं बहुत हो जाऊं, तो तेजस तत्व से वाणी का उद्भव हुआ और उससे जो जल तत्व था उससे जो उसे उसमें जब ये विविधता का संचार हुआ तो उससे अन्वय तत्व उत्पन्न हुआ, उससे प्राण का उदय हुआ और प्राण से, प्राण के साथ जो है वो उससे अन्वय सृष्टि जो थी वो उत्पन्न हुई। तो इसलिए तीन का, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो तीनों से एक संयत होकर के जीवन चलता है। क्या है? तेजोमयी वाक और शांत प्राण, स्वस्थ प्राण और स्वस्थ स्वास्थ्य देने वाला जो अन्न है। इसलिए उसके तीनों का संबंध जो खोजा कि ये त्रिवेणी जो है कि उसमें अन्नमय और प्राणमय और वांगमय, तो तीनों का आपस में एक दूसरे का बहुत घनिष्ठ संबंध है, एक साथ तीनों। ये अन्न से प्राण बढ़ता है, प्राण से जब बल आता है, ऊर्जा आती है, तो प्राण से ही अन्न को उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी हमारे में आता है। तो उससे आपस में परस्पर में इनका एक भाव जो है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ये बात ऋषियों ने ये कही थी तो उस समय अधिभूत की बात करते करते वो अध्यात्म में चले गए। वो कहने लगे जिससे हमारा मटेरियल वर्ल्ड चलता है वो मटेरियल वर्ल्ड ही हमारा आध्यात्मिक जगत का भी संचालन करता है। इसलिए जगत वो संचालन जब करता है हमारे आध्यात्मिक जगत का, तो उसका मतलब ये है कि अन्न की शुद्धि से, अन्न की मात्रा ग्रहण करने से, अन्न के संस्कार करने से, अन्न का इसको कहते हैं संस्कार, घृत आदि पदार्थों से जो भी है, हम लोग उसे ये नहीं कहते थे कि इससे स्वाद बढ़ता है, ये बढ़ता है, हम कहते थे संस्कृतम अन्नम, वो अन्न जो संस्कार युक्त है, जो संस्कृत है, वो विकृति को प्राप्त नहीं होता है, वो जल्दी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। इसलिए वो जो संस्कृत अन्न है वो आपका संस्कार जो है वो ठीक से जागृत करेगा। इसलिए उसको जागृत करने के लिए ये जो संस्कार युक्त अन्न है उसको ग्रहण करने का विधान किया गया। और वो जब उसको देखते हैं तो उसी के आधार पर बाद में परवर्ती काल के अंदर ये बात भगवद गीता के अंदर, महाभारत में तरह तरह से अन्न के महात्म्य का, अन्नदान के महात्म्य का बड़ा वर्णन किया गया। लोग समय समय के ऊपर पुराणों के अंदर भी आएगा कि वह सा किस किस समय पर अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान से ही सृष्टि चल रही है। लेकिन ये अन्न जो है ये भावदुष्ट नहीं होना चाहिए, ये अन्न का ये संस्कारित अन्न होना चाहिए, अन्यथा ये अन्न जो है ये दोष पैदा करेगा, ये रुग्णता पैदा कर देगा, विकृतियां पैदा कर देगा। तो वो
जब संस्कारित अन्न जाता है तो उसके अंदर वो कहते हैं आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। स्कंद स्वामी जो थे, स्कंद कार्तिकेय उपनिषदों के अंदर नारद को उपदेश करते हैं, नारद को कहते हैं कि आहार शुद्ध हो, जब हमारा आहार शुद्ध होता है तो सत्व शुद्धि, तो हमारा जो सत्व है, मन का जो सत्व है, वो सत्व में शोधन हो जाता है। और सत्व में शोधन हो जाने से क्या होता है, एक चेन है पूरी की पूरी प्रक्रिया की, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, सत्व शुद्ध होने पर ध्रुवा स्मृति अटल मेमोरी जागृत होती है। वो अटल मेमोरी क्या है कि ब्रह्म ही वाहम जगत यत्र, वो जो कुछ भी है ये सब ब्रह्मरूप ही है, सर्वम फलविदम ब्रह्म, ये मेमोरी का लॉस नहीं होता, ये स्मृति प्रतिष्ठित हो जाती है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, और स्मृति प्रतिलंबे, और जब ये एक टिकाऊ स्मृति बन जाती है कि ये सब जगत ब्रह्म का ही है, हम लोगों की स्मृति थोड़ी टिकाऊ नहीं होती, हम थोड़ी देर के लिए ऐसे थॉट समझ लेते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं कि ये जगत ब्रह्म रूप है, पढ़ा था कहीं। वो कहता नहीं, स्मृति प्रतिलंबे, जब स्मृति का प्रतिलंब होता है तो सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष, तो आदमी के चित्त के अंदर पड़ी हुई ये जो मानसिक ग्रंथियां हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तरह तरह की मनोग्रंथियां जो बनी हुई हैं, वो सभी ग्रंथियां टूट जाती हैं और इस तरह से मनुष्य जो है वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो चेन क्या बनी, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा का अर्थ क्या है, अटल मेमोरी, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, स्मृति का प्रतिलंब होने पर वो मुक्तता का अनुभव, मोक्ष अनुभव जो है वो कर सकता। इसलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अन्न जो है वो जो भौतिक है, वो भौतिक ही, उस भौतिक के जो डायमेंशंस हैं, जो भौतिक उसकी एक डायमेंशन है, वो अन्न की जो दूसरी जो डायमेंशन उसकी आती है, वही अन्न जो अधिभूत है, वही हमारा अध्यात्म बनता है। अगर आपका किचन जो है अग्नि गृह है, उसके अंदर अग्नि का ठीक ढंग से चुनी, तो वो उसके अंदर वो जो अधिभूत है वही हमारा अध्यात्म बन जाता है, और वो जो अध्यात्म बन जाता है वही हमारा अधिदेवत बन जाता है। उसी के कारण हम स्तोत्र लिखने लगते हैं, अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद्भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्र। तो ये उसमें एक पूरी प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया को स्पष्ट करके चलना जो है, मैं समझता हूँ कि अन्न दर्शन का मूल जो था वो ऐसा नहीं है कि वहां पर एक जो हमारी अप्रोच जो रही कि जिसके माध्यम से मेरा लोक कर्म चलेगा वही मेरा कर्म मुझे अध्यात्म में भी ले जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि गांव में चाहे वो जुड़ा है, चाहे वो अपना कोई भी काम करने वाला है, वो जिस माध्यम से कमाई करता है उसी माध्यम से वो अपने अध्यात्म की साधना भी उसी से करता है। वो अगर एक तरफ वो गाता है, एक तरफ वो करता है कि चदरिया वो बुन रहा है, लगा रहा है, तारें लगा रहा है, तो साथ में कर रहा है कि ये चदरिया जो है मेरी चादर जब बुन कर आई, रंग रेज को दीनी, ये चादर कौन सी बन कर के आई, ये 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी, तो वही चादर
जो स्थूल चादर है वो स्थूल ही सूक्ष्म का एक परिणत होने वाला है, यानी भीतर से जो एक ही वो है स्वरूप जो हमारे भीतर में अध्यात्म भी है, हमारा अधिदेवत भी है और अध्यात्म भी है। इसलिए अन्न की अधिष्ठात्री, अन्न के अधिष्ठात्री देवी जो है वो अन्नपूर्णा, उसको हमने कह दिया। और आचार्य शंकर जैसे जो ब्रह्मज्ञानी लोग थे उन लोगों ने भी उसमें तो कहा कि ये सतीशु नारीशु च सर्वभूत प्रकाम संतर्पण दीक्षिताशु पूर्णान्न पूर्णा से लक्ष्य हम मूर्तिम हरे सत्यम तवै। ये हरि मैं वो उन स्त्रियों के माध्यम से जिन्होंने, जिन महिलाओं ने ये व्रत लिया हुआ है कि कोई भूखा नहीं जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, उनके घर पर जो भी आएगा वो तृप्त होके जाएगा, वो पूर्णान्न पूर्णासु वो पूरी मुझे वो महिलाएं सभी महिलाएं मुझे अन्नपूर्णा का ही स्वरूप दिखाई देती, तो उन सबको मैं कहता है कि ये अन्नपूर्णा समझ करके उन सबको प्रणाम करता हूँ। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जितनी डायमेंशन यहाँ लिखी हुई थी अन्नम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म कहने के पीछे भाव ये नहीं है कि चारवाक दर्शन की तरह कि उसमें वो क्या है कि भक्षे भस्मीभूत से देहस्य पुनरागमनम कुतः जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जितनी देर जीना है खा पी करके आदमी जिए और घी पीना है तो कर्ज लेकर के भी पिए, मरने के बाद कौन किसी का कौन पूछेगा, ऐसा दृष्टिकोण जो था वो नहीं था। वो उसी के माध्यम से, क्योंकि उसके पीछे अध्यात्म जुड़ा हुआ है स्थूल के पीछे, वो अध्यात्म अध्यात्म ही वो प्रकट रूप में सामने आया हुआ है। इसलिए अन्नशाला के अंदर हम जूता लेकर प्रवेश नहीं करते थे, हम उसके अंदर कोई ऐसी हरकत कोई ऐसी चीज लाने का प्रयास नहीं करते थे, उसे पहले देवार्पण कर रहे हैं, उसको संस्कारित कर रहे हैं और फिर उसका आनंद भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई वो मंदिर के कोई ऐसा है कि जैसे एक हम उसकी अन्न की पूजा ही करने लगे और उसमें ऐसा व्यावहारिक भी नहीं हास्यास्पद बन जाएगा वो, हम उससे जो आनंद का संचार होगा उसी को रसो वैसा, अन्न का रस से संबंध है। ये जो तैतरीय के अंदर उपनिषद के अंदर जो वाक्य कहा कि वो ब्रह्म क्या है, रस स्वरूप है, वो रस कहाँ से उत्पन्न होगा, वो रस कैसे बनता है, अन्न ही रस का संचार करता है, अन्न ही जो स्थूल रूप में अन्न होता है वही अपने सूक्ष्मतम रूप में रस में रस बनता है। इसलिए रस ही है जिसका मूल आनंद है और आनंदाद्य खल्यमान भूतानि जायन्ते, इस आनंद से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, आनंद में ही लोग जो हैं वो जीते हैं और आनंद में ही अभी संभिशन्ति। लेकिन यहाँ अन्न का वैषम्य होगा, जहाँ अन्न जो है वो इस तरह से विपरीत, वो वेस्टेज ऑफ अन्न, ऐसे इतना वेस्टेज है, इतना वेस्टेज है जिसका हिसाब को नहीं, अन्न का आदर ही कोई नहीं है। और इसलिए वो अनादृत जो है वो कहता है सामान्य भाषा के अंदर है कि वो शापग्रस्त कर देता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अन्न दर्शन को अगर समझना हो तो रस की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, जब ये कहते हैं भाव दुष्टम न भक्षेत, तो उसमें भी ये है कि अगर आपकी वृत्ति ही बदल गई, अगर आपने खूब लाल रंग का उसमें और आपकी भावना ये बन गई कि ओहो इसमें ये डाल लो ये डाल लो, तो उसमें आसुरी भाव अगर बन गया, तो आसुरी भाव जो बन गया तो वो अन्न जो है
वो आप में असुरत्व का उन्मेष करेगा, वो देर उसमें वो रसत्व का उन्मेष नहीं करेगा। तो अन्न की परिणति क्या होनी चाहिए? अन्न की परिणति होनी चाहिए रस में, और रस की परिणति कहाँ होनी चाहिए? आनंद में। इसलिए भोजन जो है वो आनंद में ले जाने का एक बहुत ही श्रेष्ठतम माध्यम है, ये भारतीय दृष्टि है। इसलिए ये वो जो होम साइंस के जो बातें जो कर रहे थे आप, वो प्रक्रिया अलग है, वो एक ऐंतिक तुष्टि का माध्यम है, वो केवल मात्र इंद्रियों को संतुष्ट करना ही उसका प्रयोजन रहता है, और मन को भी चलो थोड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है वो एक संस्कृति का निर्माण नहीं करती है। उसको कई लोग कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में ये अंतर है कि सभ्यता जो है वो मैनरिज्म है, बाहर का एक बहुत जिसे हम कहते हैं, वो कह देते हैं कि देखो इसको ये सेंस होनी चाहिए, ये मैनर्स होने चाहिए, ये तरीका है। ये लोग जो है वो मैनरिज्म नहीं है संस्कृति। संस्कृति एक जीवन कला है, जीवन कला जो आपको आदि से अंत तक, स्थूल से सूक्ष्म तक वो रस का संचार करती है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि मैं कुछ पाक्षिक रूप से ही आप लोगों को जो समझा सका हूँ तो उसमें मैंने प्रस्तुत कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने जितने हमारे प्रश्न थे उसमें कई और पक्ष आपने जोड़ दिए। मैडम रंजू प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दें थोड़ी देर। जी माइक ऑफ कर दूं? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आपसे तो अभी कुछ और प्रश्न भी रहेंगे। तो जो हमें बातें और समझ में आई साथ में कि अन्न से रस और रस से आनंद, तो यानी कि रस जो है वो केंद्रीय एक तरह का वो तत्व है जो हमारे समाज को अन्य समाजों से भिन्न करता है, जी, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी सारे के सारे समाज, चाहे यूरोपियन है, चाहे अरेबिक है, अफ्रीकन है, वो सर्वाइवल बेस्ड ज्यादा है, इसलिए वहां रस की बात। जी आशुतोष, इसी से बात समझ में आएगी कि अन्नम ब्रह्म, इसकी व्याख्या इसी से होगा कि क्योंकि आनंद जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है। जी इसीलिए उसे ब्रह्म कहा गया, क्योंकि वो आनंद का स्वरूप बनाता है। जी तो वो आनंद रूप होने के कारण ही अन्नम ब्रह्म इति विजानियात, अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा न करे, या अन्न को ब्रह्म जाने, तो ब्रह्म जानने के पीछे अभिप्राय यही है। जी और इसके साथ जो आपने चार इसकी बातें हमें और ध्यान में हमारे संज्ञान में लाए कि अधिभूत भाव जो है अन्न का, अधिदैवत भाव अन्न का, और अधियज्ञ भाव और अध्यात्म भाव, ये भी हमारे लिए नई बात थी। और वाकई ये बड़ा विस्तार पूर्वक और बड़े सरल शब्दों में आपने हमें ये बातें हमारे साथ साझी की हैं। अब वक्त है प्रश्नोत्तर का, आप लोग अपने प्रश्न और अपनी टिप्पणियां हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं प्रोफेसर सर पूरा नाम नहीं पढ़ पा रहा आपका, गणेश जी, यू लाइक टू शेयर? जी, नमस्कार, बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही और सचमुच अंगीकृत करने योग्य आपकी बातें। मैं चाहता था कि थोड़ा सा आप जो आजकल भोजन करने का तरीका बन गया है, हमने चर्चा की कि कैसा भोजन होना चाहिए, किस तरह बनना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, लेकिन जो सामाजिक जीवन में जैसी विषम परिस्थितियों से विषम तरीके से भोजन किया जा रहा है उसके कुछ नुकसान भी आप जरा हाईलाइट कर दें तो संभवतः सबके लिए प्रेरणादायक रहेगा। जी उससे मैंने जो संकेत किया वो दो संकेत किए कि आदि और व्याधि, ये आदि आदि क्या है, ये जितने मानसिक रोग हैं
ये जितने मानसिक रोग हैं ये सब आदि के अंदर आते हैं। ये मनोरोग उत्पन्न जितने हो रहे हैं, अनिद्रा है, विक्षेप है, इसकी मैंने चर्चा शुरू में भी की थी कि विक्षेप जो है कि फ्रस्ट्रेशन जो है हर तरह का, तो क्योंकि वो दूषित अन्न जो है उसको हम कहते हैं कि ये जो दूषित अन्न है, दूषित अन्न जो है वो आदियों को, अब नाना प्रकार की आप जो ये साइकोफिजिकल सारी जो प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं समाज के अंदर, क्रोध को उत्पन्न करेगा। भगवद गीता के अंदर उसने कहा, सुनो आरस त्रिविधा प्रोक्ता, ये अर्जुन तीन प्रकार का आहार कहा गया है। एक वो है आहारम सत, आहार सत्व संशुद्धि, सत्व का संशोधन होता है, शांत रहता है और दूसरों को भी शांत रखता है, समझ के चलता है, समझते हुए चलाता है दूसरों को भी। और दूसरा कहा कि ये सात्विक लोग जो हैं वो सत्व संशुद्धि, वो सत्व सात्विक जो भोजन है उसका क्या परिणाम है, और जो राजस है तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना, जलाने वाले बहुत मिर्चों वाला बहुत तीक्ष्ण इस तरह का वो जो खाते हैं वो लोग जो हैं वो राजसी। तो रजोगुण जो है वो विक्षेप का वाचक है, विक्षेप जो है वो है कि टिकना है ही नहीं कभी। अब मन आपका कभी टिकेगा नहीं तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, क्योंकि नींद नहीं आ रही है तो दवाइयां खाओ, और फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा कि नींद की दवाइयों का ही बिजनेस शुरू हो जाएगा। पूरा अमेरिका वो कहते हैं कि बिना गोली के नहीं सो पाता है, सब लोगों को कोई ना कोई गोली खानी पड़ती है, क्योंकि हर वक्त वो लगे थे कि अमेरिका जो है वो नंबर वन जी के जीना चाहता है। ये प्रोफेसर से वहाँ पूछा मैंने कि यहाँ की बेसिक क्या बीमारी है, तो उसने कहा कि बेसिक बीमारी ये कि सारा अमेरिका जो है वो इतनी औषधियों का सेवन इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर एक मनोग्रंथि है, और वो मनोग्रंथि क्या है कि हम श्रेष्ठतम हो के जीना भाई हम, तो मैंने कहा श्रेष्ठतम होने के लिए ये आक्रांता होना, मारो मार करनी, वायलेंस करनी, ये सारा विक्षेप के अंतर्गत आ जाता है। तो आधी और व्याधि, जो व्याधि है शारीरिक नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं वो शारीरिक रोग जो हैं वो भी उससे बहुत सारे उत्पन्न होते हैं विषम भोजन से। उस भोजन को विषम भोजन, दूषित नहीं विषम भोजन करके कहा गया। तो विषम भोजन से आवरण जो है वो बुद्धि के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है, आवरण आ जाता है। आवरण आ जाने से वो जिस क्रिया से दोष होता है उसी क्रिया को बार बार करता है, वो नई क्रिया प्रक्रिया में निकलना नहीं चाहता उसमें से। तो इसलिए ये क्योंकि अन्न से ही वो कहते हैं कि सौम्य, अन्न से ही सारी प्रजाएं जो हैं वो सुख में जीती हैं। अगर सुख संस्कारित अन्न है तो वो कल्याणकारी होगा। तो आज का जो प्रक्रिया है, अच्छा खड़े होके ये खाने का भी एक अपना उनका मैनरिज्म है, अपना तरीका है, बीच में ही उसमें वो कड़छुल डाल रहे हैं, बीच में अपने आप ले रहे हैं, अब वो उनका फ्रीडम है या क्या है, उन्होंने अपना एक जो ढंग आधुनिक जो यहाँ भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो उसके अंदर हम लोग कहते थे कि नहीं ये उच्छिष्ट हो गया है, तुम्हें वो जो सर्व करेगा वो सर्व करने दो किसी को। वो माँ सर्व करती है किचन में, यहाँ पर भी वो मातृस्थानी जो लोग हैं उनको सर्व करने दो, तुम इसके बीच में अपना हाथ मत लगाओ। लेकिन उसके अंदर वो सभी लोग उसका मलिनीकरण जिसे कहते हैं, मलिनीकरण कर देते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, नाना अन्न के ऊपर नाना लोगों का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पर्श के माध्यम से भी वो उसके ऊपर अपनी अंतरंग प्रवाह जो है उसको भेज देते हैं। जी, ये विषय सचमुच बहुत लंबा चौड़ा किया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य बात मुझे समझ आई
मैं यही कहूंगा कि विषम भोजन से आदि और व्याधि, इन दोनों शब्दों को ही हम बहुत आगे विस्तार ले जा सकते हैं। तो आदि और व्याधि से कई विक्षेप पैदा होंगे और सचमुच हमारे लिए वो बुराई के कारण तो बनेंगे ही। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन जी। धन्यवाद। और किसी की कोई प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव, पहले आचार्य को के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यद्यपि मैं सविलंब इसमें जुड़ पाया, लेकिन उनके आख्यान और प्रश्नोत्तर काल में जो बातें प्राप्त हुई, तो मुझे लगा कि गीता ने इस क्रम में एक बड़ी ही अच्छी बात कही है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। अगर हमारा आहार युक्त हो, युक्त का तात्पर्य कि न तो वो तामसिक हो माने व्यवहारिक जीवन के लिए, न शुद्ध सात्विक हो, एक मिस माने एक जीवन यापन के लिए, जीवन को सुदीर्घ बनाने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में उसका युक्त होना आवश्यक। और यह युक्त अभी आपकी चर्चा से स्पष्ट हुआ कि अगर हम तामसिक भोजन करते हैं, जैसे कि मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, तो हमारे पेट को भी हार्म करता है। तो अपने शारीरिक स्थिति के अनुकूल अगर हम भोजन का उपयोग करते हैं और मध्य और मांस का, क्योंकि ये मध्य और मांस का जो प्रयोग लोग करते हैं वो उनका उन देशों में होता है या उन स्थानों पर होता है जहाँ ठंड बहुत पड़ती है। और यही कारण है कि जब कभी भी हमें वियतनाम जाना हुआ, थाईलैंड जाना हुआ, तो वहां मैंने बौद्ध भिक्षुओं को भी मांसाहार करते हुए देखा है, माने बिना मांस के वो रह ही नहीं सकते हैं। तो मुझे लगा कि बुद्ध ने कहा था कि आप आवश्यकता पड़ने पर कुछ नियमों का परिवर्तन कर सकते हैं, तो आहार के इस नियम का परिवर्तन उस काल और देश के प्रकृति के अनुकूल भी हम कर सकते हैं। और युक्त का तात्पर्य मैं समझता हूँ वही है कि हमारे प्रदेश में, हमारे उस कालखंड में, उस प्रकृति के स्थिति में जो आहार हमारे शरीर को संपोषित करता हो, मनस को तीव्र करता हो, वही युक्त आहार है। इसके इस क्रम में आपकी आपका जो है कुछ माने विशेष विचार अपेक्षित है। युक्त आहार आपने बिल्कुल ठीक कहा, बात सही है। युक्त आहार विहार से युक्त से अभिप्राय ये है कि वो अपने युक्त किसके साथ युक्त होना है, उसने अपने मूल के साथ युक्त होना है। उसे मूल उसका क्या है, वो मूल है उसका कि मेरे भीतर जो बैठा हुआ, जिसके लिए मैं ये भोजन अर्पण कर रहा हूं, उसके साथ वो उसकी उसको देख करके, वो उसकी तृप्ति के लिए जो संस्कारित है वो हमें जुड़ा हुआ हूं। मैंने किसी के लिए इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप में दूं, तो वो तो कृष्ण के लिए एक गोपिका है, वो गोपिका ने वो कहती है कि मैंने आज दही जमाया है, लेकिन ये दही कृष्ण के लिए जमाया है, उसको ऐसा अच्छा लगता है, उसको ऐसा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसी ढंग से उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये जो ब्रह्मार्पणम की बात है ना, यही युक्त आहार का अभिप्राय है कि युक्त आहार किसके साथ युक्त होगा, ब्रह्मार्पणम, ये मेरे भीतर का जो चैतन्य है, मेरे भीतर का मूल मैं हूं, उसके अनुकूल जो उसको शांति प्रदान करने वाला आहार है, वही युक्त आहार है, वो सही आहार है, जिसको मैंने कहा कि ये उसमें रस, रस से आनंद, आनंद से रस, रस से पदार्थ बाह्य वस्तु, तो वो उसने उसका, और योग युक्त से, योग युक्त से अभिप्राय यही रहता है लगभग जी। इसके साथ किसी और ने भी अपना हाथ खड़ा किया था, नाम मेरे से स्लिप हो गया। यदि किसी और का कोई प्रश्न है, डॉक्टर विनय सिंह जी। जी जी सर, सर नमस्कार।
सर बहुत अच्छा व्याख्यान था और डॉक्टर आशुतोष जी के जितने भी व्याख्यान होते हैं उनके कारण मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मौका मिल जाता है। मैं तो इसी चीज को अपना सौभाग्य मानती हूँ। तो एक मेरा प्रश्न ये था कि जब हम लोग व्रत रखते हैं तो हम अन्न त्याग क्यों करते हैं? नंबर एक, तो सबसे पहले हम अन्न त्याग कर देते हैं, नवरात्रि रखेंगे तो हम कहेंगे कि अन्न त्याग कर दो और भोजन कम लेना है। और दूसरा कि अन्न और प्राण का क्या संबंध है? कि कई एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि जो लोग अन्न लेते हैं और पुनर्जन्म में वह प्राण बन के मतलब अगला शरीर धारण करना या वो जो अन्न है वो अणु रूप में अनेक प्राणों में बढ़ जाता है और वो पृथक पृथक भागों में पुनः शरीर में अन्य शरीर में जब मृत्यु के पश्चात इस शरीर को त्यागने के बाद अन्य शरीर में फिर वो प्राण रूप में प्रवाहित हो जाता है। तो इस विषय को थोड़ा सा मुझे विस्तार से, हालांकि बहुत अज्ञानी हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर चाहिए था कि मैं आपके चाहूंगी। और तीसरा ये था कि जी सर, तीसरा ये था कि जो आपने कहा कि अन्न का जो गहन संबंध है वो मन से ही है और शायद इसी कारण भगवान कृष्ण विदुर के घर भोजन करके भी तृप्त हो गए थे और कई उच्च कोटि के लोगों में भोजन करके तृप्त ना हो पाते। और शायद एक साधु अगर सूखी रोटी खा लेता है तो कहता है कि आज बहुत आनंद प्राप्त हुआ। तो ये एक सच में ही एक बड़ी प्रेरणादायक, मुझे बहुत ज्यादा आंतरिक प्रेरणा देने वाला ये आपका व्याख्यान लगा। तो मुझे दो प्रश्न छोटे छोटे से चाहिए थे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो, जी सर, कि प्राण वायु पे ही जीवित रहते हैं, वो कैसे संभव है? देखिए वो उसका कारण क्या रहता है कि जो लोग योगियों के विषय में बात करेंगे तो बात बहुत विस्तृत हो जाएगी। उसमें आहार जो है वो वायु में से ही अन्न का ग्रहण कर लेते हैं। बहुत सारे जो योगी हैं वो आहार जो है वो उसमें से वायु में से ही आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन आहार तो ग्रहण करना पड़ता है शरीर के लिए। दूसरी बात यह कि उपवास की बात जो कही आपने, उपवास इसलिए रखा जाता है कि हम एक यूजुअल एक रूटीन के अंदर हम लोग चले हुए होते हैं, तो उस विशेष प्रकार से भोजन का इंद्रिय संयम के रूप में, उसे एक संयम के रूप में, क्योंकि उपवास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि उसके देवता के पास रहना है। एक दिन दो दिन हम एक तरह से उसके, जो भी उसका अधिष्ठाता देवता है उसके पास रहना है। उपवास का अर्थ है पास रहना। पास रहने के लिए बाहर की प्रक्रियाओं को हम छोड़ देते हैं, बाहर की प्रक्रियाएं जो है वो हमें व्यस्त रखती हैं। आप सारा दिन आप किचन में लगे रहोगे, उसमें व्यस्त रहोगे तो फिर उधर ध्यान कहाँ जाएगा, आप व्रत में कहाँ जाएगा? व्रत नाम का रहेगा और इधर से आलू बनते रहेंगे और वो सब व्रत के नाम पर नाना प्रकार के भोजन बनते रहेंगे, तो उपवास कहाँ रहा वो? इसलिए उपवास वहां पर, अन्न त्याग का महत्व वहां पर उस दृष्टि से वो ये है कि एक जो यूजुअल रूटीन में हम स्थूल अन्न का जो ग्रहण करने की हमारी आदत बन गई हुई है, हम उस हैबिट को जो इंद्रिय तृप्ति के माध्यम वाली हैबिट है उसको थोड़ा त्याग करके हम उसमें उपवास की दिशा में चले जाएं। नंबर वन, प्राण और अन्न का, प्राण और अन्न का जो संबंध है, प्राण का संबंध मूलतः है जल से। जल से प्राण का उद्भव हुआ और अन्न से मन का उद्भव हुआ और तेज से, तेजस का मतलब है कि जैसे अब ये गाय का घी वगैरह आप खाते हैं, ये तेजस है। घृतम, घृत जो है वो क्या है कि घी धातु का अर्थ ही, घी मूल का अर्थ ही क्या है, जलना, जो इस तरह की जो उत्तेजना पैदा करने वाले, उससे वाक का जन्म हुआ। तो मनुष्य क्या है, तेजोमय वाक जिसके पास है, और प्राण का मतलब है
बल, बल जो है वो श्रेष्ठ है, लेकिन बल से भी अन्न श्रेष्ठ है, क्योंकि मन जो है वो प्राण, मन अगर आपका डिप्रेशन में चला गया तो प्राण होते हुए भी आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्राण जो है वो एक प्रकार से ये तीनों का एक त्रिवेणी जो है, एक साथ व्यक्तित्व का ये हमारा जो स्वरूप बनता है वो इस त्रिवेणी से बनता है, मन प्राण। प्राण जो है उसकी प्राथमिक स्थिति है, पहले है लाइफ, लाइफ जो है वो आती है, जीवन आया, पहले जीवन आया बच्चे में, और जीवन आया तो जीवन के साथ उसका प्राण जो है स्पंदन, धड़कन शुरू हो गई जीवन में, और तब तुरंत वो अन्न मांगता है, तुरंत उसको अन्न की अपेक्षा होती है, वो अपने आप फौरन, गाय का बछड़ा है वो जन्म लेते ही फौरन दूध की तरफ भागता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, वो स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके अंदर वो उसको तो। और दूसरा उसमें ये जो वाक है, तेजोमयी वाक, ये लोग कहते हैं कि जब किसी की जुबान ठंडी होने लगे तो समझो कि वो ज्यादा देर जीवित नहीं रहेगा, तेजोमयी वाक। तो ये तीनों ही मिलकर के मन प्राण और वाक, ये तीनों ही मिलकर के अगला जो प्रसरण करते हैं वो तीनों जो है वो अंतःकरण के रूप में, जीव के रूप में ये बन करके, इन तीनों से ही जीव का निर्माण होता है, एक वस्तु का निर्माण हो रहा है। जल से प्राण बाहर स्थूल पानी है, लेकिन वही पानी जो है वो प्राण बन करके उड़ता है, ऊपर चलता है, वायु जो है बन रहा है अंतरिक्ष के अंदर, भू भूलोक में, भुवन लोक में, स्वर लोक में, ये तीनों तेजोमयी वाक जो है उसका स्थान स्वर लोक में है जी, और ये अंतरिक्ष लोक में है, और मन का अंदर। इसलिए तीनों जो है इनका आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, तो तीनों को जो है एक प्रकार से उन्होंने जब ये देखा, इसलिए वो कहेंगे कि अब अगर आपकी लाइफ फोर्स नीचे जा रही है तो फौरन जल पिलाओ, इसको जल पिलाओ, पानी से प्राण स्थिर होता है, क्योंकि प्राण का उद्गम ही जल से हुआ है। और जब मन की स्थिति खराब है तो हम कहते हैं कि नहीं, इसको मन अगर ठीक नहीं है तो चलो ये लो, ये मीठा खाओ, मीठे से सत्व बढ़ेगा, मीठा खाने से तुम्हारा ये हो जाएगा। तो उस प्रकार से हम लोग और बड़े बड़े म्यूजिशियन जो है उनको देखा कि जीव जीव के नीचे वो कुछ ना कुछ अपना शक्ति रखने लगते हैं, कि भाई गाना है तो उसमें जुबान को ताकत मिलनी चाहिए, तो ऐसा है उसके अंदर प्रक्रिया जी। हमारे साथ प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी, मैडम आपका स्वागत है, प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी जयपुर से वो भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर चित्रंजन जी हैं, और भी बहुत सारे हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए, बड़े बड़े विद्वानों के होते हुए जी। किसी और का कोई प्रश्न कोई टिप्पणी यदि है तो वो संक्षेप में हमारे साथ साझा करें, और उसके बाद फिर मैडम रंजू जो हैं वो धन्यवाद ज्ञापन उसके बाद करेंगे। सर मुझे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। मेरी फ्रेंड है चंडीगढ़ में, कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनका 24 इयर्स का बेटा है, उसको जीबी सिंड्रोम हो गया 4 महीने पहले, तो वो 4 महीने से वेंटिलेटर पे है, उसको पैरालिटिकल अटैक हो गया, और ये पता लगा डॉक्टर ने जो बताया कि उसका रीजन ये निकला कि उसने 31 दिसंबर को कोई नॉनवेज फूड लिया, रोस्टेड चिकन लिया जो कि ठीक से रोस्टेड नहीं था, तो उसने किसी रेस्टोरेंट से नॉनवेज खाना खाया, और उसके बाद 2 दिन के बाद उसको प्रॉब्लम हो गई, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि उसको जीबी सिंड्रोम हो गया है। उसके बाद वो काफी टाइम कोमा में रहा, और अब वो कोमा में तो नहीं है लेकिन वेंटिलेटर पे है, 4 महीने से वो बेड पे है,
तो उसने मेरे से ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम सबको बताएं कि हम लोग जो खाना खाते हैं, अगर वैसे तो नॉन वेज मुझे लगता है नहीं खाना चाहिए जबकि वेज खाना अच्छा होता है, और अगर नॉन वेज खाना खाते हैं तो अगर रोस्टेड है तो वो कितना हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर ने ये बताया कि जो उसने नॉन वेज रोस्टेड चिकन लिया वो ठीक से रोस्टेड नहीं था, और उस चिकन जो भी मीट था उस एनिमल को कोई डिसीज था, उसके कारण उस बच्चे को जीबी सिंड्रोम हो गया जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिसीज है। और आज वो लड़का 24 साल का बच्चा कैसे जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है, और उसकी मम्मा सीमा महाजन ने मुझे ये कहा कि मैं भगवान से प्राण मांगू या मौत मांगू, मतलब मेरे को सुन के इतना डिस्टर्बिंग लग रहा था कि नॉनवेज खाना खाने से इतना नुकसान हो सकता है, तो मुझे लगता है कि हमें वेज खाने को ही प्रेफर करना चाहिए। मुझे एक्सपीरियंस मेरे को था कि मैं सबको समझ ये अपना मैसेज दूं अपनी फ्रेंड का कि कैसे नॉन वेज खाना खाने से उसके बच्चे का कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मैं शेयर करना चाह रही थी। धन्यवाद। तो है ही मैडम, और भी बहुत सारी बातें हैं कि जो आप गैस पे भोजन बनाते हैं और जो चूल्हे पे बनता है, दोनों के स्वाद में भी अंतर है, दोनों के क्वालिटी में भी अंतर है। लेकिन अब क्योंकि सुविधा की बातें आ गई हैं इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे, नहीं तो साइंटिफिकली ये चीजें प्रूवन है कि अगर आप गैस पे अगर आप चपाती भी पकाते हैं तो वो दोष युक्त मानी देते हैं, दोष है उसमें, नुकसान है, और अगर आप चूल्हे पे पकाते हैं तो उसका और है। लेकिन चलिए अब तो सुविधा की बातें हैं, वो हमारा अभी विषय नहीं है, वो कभी तब लेंगे जब कभी होम साइंस के साथ मिलके करेंगे या फिजिकल एजुकेशन के वालों के साथ मिलके करेंगे इन चीजों को। तो यदि किसी और का कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न है जी तो सर, प्लीज आप। मैं भी थोड़ा बोलना चाहूंगा सर, एक चीज शेयर करना चाहूंगा। पहले सबसे पहले सर सबको नमस्कार सर, और मैं आपको सर एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं एक फोटो दिखा रहा हूं सर, जिससे ये पता चल जाएगी कि मैडम ने बताया था कि उपवास और व्रत के लिए। तो ये सर मैंने 2021 में एक फोटो मैंने स्क्रीनशॉट सेव किया था, इसमें सर एक दिखा हुआ है, शायद दिख रहा हो जी जी। इसमें सर हंगर इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेल्फ डिसिप्लिन इफ यू कैन कंट्रोल व्हाट यू। तो सर इससे कई चीजें पता चल रही है सर जी। इस पिक्चर में सर कि जो तामसिक भोजन वाले हैं वो उस परमात्मा से नहीं जुड़ सकते हैं, और जो थोड़ा राजसिक है और सात्विक है, और जो अन्न वाले हैं और जल वाले हैं, और उसके बाद जो जल भी छोड़ देते हैं वो डायरेक्ट कैसे कनेक्ट हो पाते हैं सर। जी जी ठीक है, चलिए ये तो बढ़िया है। रवि जी आपका चित्र दिखाई नहीं दिया, आशुतोष जी को भेज दीजिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। अब दिख रही है सर, अब नहीं छोड़ दीजिए, नहीं दिखेगा वो मोबाइल से नहीं दिखेगा। चलिए अभी तो लेकिन ये है, शेयर करना बंद कर दीजिए और म्यूट कर लीजिए। हाँ जी डॉक्टर देवदत्त जी, बहुत संक्षेप में सर जी। मैंने सर व्हाट्सएप पे भी किया है वो मैसेज, इसमें ये है कि जो हिंदू धर्म में खासकर जो शैव संप्रदाय के होते हैं, अघोरी टाइप के लोग, वो मृत आत्मा मृत लोगों के शरीर को खा के गुजारा करते हैं, और एक और वैष्णव जो बिल्कुल निषेध समझते हैं, और अहिंसा हिंसा पे भी अलग अलग, इसमें कोई भी एक तर्कपूर्ण लिंक नहीं बैठता है, मतलब तो इसे कैसे डिफेंड करेंगे आप जो अघोरी है या सर्वंग संप्रदाय के लोग हैं वो सब ये जो करते हैं उनके एक तो ये सामान्य प्रक्रिया जो अपवाद की बात होती है वो सामान्य प्रक्रिया में उसको शामिल नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि वो थोड़ा सा एक तो यह है कि भय को निकालने के लिए और दूसरा घृणा के भाव को निकालने के लिए श्मशान सेवन या उसमें श्मशान में रहना हर वक्त, तो ताकि भय से मुक्त हो जाएं। इस तरह की वो प्रक्रियाएं जो हैं उनको वो स्वीकार करके चलते हैं, और वो शव का भक्षण इस तरह से नहीं करते। शव का भक्षण इसलिए कि मनुष्य को जिससे उसका घृणा का भाव है वो ऐसा मानते हैं कि घृणा मनुष्य के
बहुत बड़े से बड़ा आदमी ज्ञानी बन जाए लेकिन घृणा का भाव नहीं जाता है, तो घृणा के भाव को निकालने के लिए या उन भावों को निकालने के लिए वो एक मनोवैज्ञानिक अपनी प्रणालियों को एडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो एक जो सहज जीवन है वो सहज जीवन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, अलग रखते हैं। और दूसरा ये है कि प्रक्रियाओं में से जब आपका ये है तो बहुत से योगी लोग जो हैं वो वायु में से ही अन्न ग्रहण कर लेते हैं, वायु से ही भीतर की जो उनका रस तत्व है उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, फिर तो शरीर ही ना रहे, शरीर के बिना ही वो जी सकते हैं, शरीर के बिना भी रह सकते हैं, वैसे भी रह सकते हैं, शरीर की भी क्या जरूरत है उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके ग्रहण की प्रक्रिया बदल जाती है जी। लेकिन वो अपवाद जो है वो उसमें गृहस्थियों के लिए जो गृह धर्म है, गृह धर्म के लिए अपेक्षित जो है वो वही शौचाचार है, तो उसके लिए वो, अब जैसे जी इन्होंने बताया है कि एक ऐसे पशु का मांस खाने से उस बच्चे का उसकी स्थिति खराब हो गई या ये हुआ, तो वो उसमें शो करता है कि जो संस्कार युक्त अन्न है, ये संस्कार युक्त अन्न ही हम लोगों का ग्राह्य है, और ये अघोरियों का या दूसरे लोगों का वो एक पर्टिकुलरली दिशा ही अलग है जी। इस सारी बात के साथ, क्योंकि हम आज के इस वक्तव्य को पूर्ण करने जा रहे हैं, परिचर्चा को, एक तो रेफरेंसेस और मुझे ध्यान में आ गए, साथ साथ अगर बीच में आ जाते तो अच्छा रहता है, कि जैसे बुद्ध के जो अंतिम जो बोध होने से पूर्व जो उन्होंने खीर का भक्षण किया, स्त्री के द्वारा उनके ऊपर उपकार किया गया, और उस वक्त मुझे लगता है कि उनको अन्न जो रस है, अन्न और रस के बीच का संबंध स्पष्ट हुआ और वो ज्ञान में परिणत हुआ। उसके साथ ही ये जो बुद्ध के साथ जो संघ विकसित हुए, संघों में मुझे लगता है भोजन प्रणाली की व्यवस्था क्या रही होगी, वो एक अलग संस्कृति वहां विकसित हुई, क्योंकि कॉमन किचन रहा होगा तो वो एक अलग है। और साथ ही साथ जो यज्ञ के अवसर पर भोजन करने की जो पद्धति रही है, जिसको हम पंक्ति भोजन के नाम से कहते हैं, जब तक आप सभी लोग भोजन समाप्त नहीं कर लेते उसमें से कोई उठ नहीं सकता, और उसमें भोजन करने के जो तरीका है कि बीच में थाली और फिर उसके साथ आप पानी के साथ उसको प्रतिबंधित करते हैं, आसपास के क्षेत्र को पवित्र भी करते हैं और उसमें से गोग्रास और ये बाकी सारा निकालते हैं, कितनी सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज हमें बहुत सारे ऐसे बिंदु मिले हैं और देखने का तरीका हमें मिला है कि हम इस भारतीय संस्कृति के अन्न दर्शन की ओर अग्रसर हों, और ये अन्न दर्शन मुझे नहीं लगता कि हमें पश्चिम संस्कृति में इस रूप में मिलेगा, वहाँ गॉड के कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा, लेकिन यहाँ परम सत्य के रूप में है कि ये आपका आधार है, अन्न आपका आधार है, और यहाँ से आप फ्लाइट लेकर के जो है वो मोक्ष को और पर ब्रह्म की उपासना में आप जा सकते हैं। तो और बहुत सारे इसके आयाम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये समय हो गया है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रंजू त्रेहन जी को कि वो सभी संस्थाओं की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करें, और किसी ने अगर फॉर्म नहीं भरा तो वो फॉर्म जो है वो साझा किया गया है चैट बॉक्स में। मुकेश जी आपने किया है साझा? अगर किया है तो प्लीज, नहीं किया तो दोबारा आप कर दीजिए और फॉर्म को आप लोग भर दीजिए जी। मैडम रंजू जी, सर आज मदर्स डे के दिन हमें अपने फादरली फिगर से इतनी अच्छी नॉलेज मिली, किचन की बातें करी जो अक्सर हम अपनी मदर से सुनते हैं, मदर्स डे के दिन फादर से सुन के बहुत ही अच्छा लगा। अक्सर होता है कि हमारी मदर या हम अपने बच्चों को एज मदर बताते हैं कि बेटा खाना ऐसे खाना, ये हमारी मदर बताती हैं, तो आज फादर से सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इतने सरल शब्दों में सर आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई, टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैंने आपका बहुत नाम सुना हुआ था लेकिन आज सुन के लगा कि वाकई सर आप
को किचन के बारे में भी मुझे लग रहा है कि काफी आप हेल्प करते होंगे किचन में, खाना बनाने में और भी कामों में, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत सच कह रही हूँ सर, हमारे टीचर्स भी, नॉन टीचिंग स्टाफ भी सब सुन रहे हैं और सब बड़ी प्रेज कर रहे हैं कि फादर को इतनी नॉलेज हो सकती है किचन के बारे में, और सच में हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे जुड़े रहें, हमें आपसे नॉलेज लेने का मौका मिलता रहे। जितने भी विद्वान विदुषियां आज के इस वेबिनार में उपस्थित हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी हमें ऐसा मौका मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच, धन्यवाद ज्ञापन के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम आगे और भी अगले हफ्ते में कुछ एक विषय और इसी तरह के लेंगे और देखते हैं कि उस पर हम किन दिशाओं में विचार कर सकते हैं। तो आज के जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। अपना फॉर्म भर दीजिएगा, मुकेश जी ने फॉर्म साझा कर दिया होगा। तो यदि किसी ने अभी भी कोई टिप्पणी हमारे साथ साझी करनी है, मैडम बीना जी आप तो प्रणाम हमारा स्वीकार करें, राजेंद्र शर्मा जी अगर हैं विद्यमान, तो पहले तो थे और भी मेरे बहुत सारे साथी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं अब। डॉक्टर गणेश जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे इन टच। जी या श्योर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यू कैन लीव द मीटिंग एवरीवन।